हेलो स्टूडेंट्स आज हम बात कर रहे हैं जो नीट 2016 का क्वेश्चन पेपर था हमारा उसके बारे में ओके okay? इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो गॉस प्रिंसिपल है कंपिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है वो क्या उसका आंसर होगा इसमें देखें एक बार रीड आउट करें इन चीजों को तो इसका आंसर होगा सी दो स्पीसीज एक साथ एक सेम निक में नहीं रह सकती जिनका फूड रिसोर्स क्या होगा सेम होगा वो एक साथ एक निक में सर्वाइव नहीं कर सकते ओके तो नाइन्टी फर्स्ट का आंसर होगा थर्ड ओके क्वेश्चन नंबर 92 टू जो दो पोलीपेप्टाइड चेन है ह्यूमन इंसुलिन की वो आपस में जुड़ी रहती हैं कौन से बॉन्ड की हेल्प से विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड दी हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या होगा इसका डी ओके नाइंटी थ्री क्वेश्चन जो कोकोनट वाटर है कहां से फ्रॉम टेंडर कोकोनट वो रिप्रेजेंट करता है किसको रिप्रेजेंट करता है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को किसको रिप्रेजेंट करेगा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को ओके क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फोर विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरॉयड्स वायरॉयड्स के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है तो कौन सी स्टेटमेंट गलत है इसमें फोर्थ स्टेटमेंट दे आर आर एन ईज ऑफ हाई मोल्कुलर वेट नहीं ऐसा नहीं होता उनका जो मोल्कुलर वेट है वो क्या होता है काफी कम होता है ओके क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन फाइलम आर्थरोपोडा फाइलम आर्थ्रोपोडा में इनमें से कौन सा करेक्टर नहीं होता ओके okay? तो क्या होगा इसमें आंसर होगा इसका थर्ड पैरापोडिया उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सिक्स इनमें से कौन सा पॉइंट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब करता है हीमोफीलिया को ओके okay? तो क्या होगा इसका एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर यह पॉइंट है जो डिस्क्राइब कर रहा है हीमोफीलिया को ओके क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सेवन एमर्शन एनहेंसमेंट इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द डिस्कवरी ऑफ किस चीज़ की डिस्कवरी में तो इसकी हेल्प से हमें पता चलता है अबाउट टू फोटो सिस्टम ऑपरेटिंग सैमल्टेनियसली दो फोटो सिस्टम जो एक साथ काम कर रहे हैं फोटो सिस्टम वन फोटो सिस्टम सेकेंड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्टी एट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल थ्री आर मैक्रोन्यूट्रियट्स इनमें से कौन से में तीनों के तीनों कैसे हैं मैक्रो न्यूट्रियट्स हैं तो क्या होगा इसका हमारा आंसर होगा बी ओके क्वेश्चन नंबर नाइन्टी नाइन कौन सी क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जो होता है किसकी वजह से सिगरेट स्मोकिंग की वजह से तो कौन सा है इसमें आंसर क्या होगा हमारा एमफाइसमा हंड्रेड, ए सिस्टम ऑफ रोटेटिंग क्रॉप विद लेग्यूम और ग्रास पैस्चर टू इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर और फर्टिलिटी उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं ले फार्मिंग क्या कहेंगे उसे हम ले फार्मिंग कहेंगे ओके क्वेश्चन नंबर वन जीरो वन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट क्या हैं? दो पॉइंट दिए हुए हैं इसमें हमें सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली बी फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ प्री एक्सिस्टिंग ऑर्गेनली एंड दे कंटेन डीएनए बट लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी तो इसमें से हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ओके okay? तो इसका क्या होगा इसका आंसर होगा हमारा थर्ड ए स्टेटमेंट तो ट्रू है लेकिन जो बी स्टेटमेंट है वो क्या है फॉल्स है इन कंटेक्सट ऑफ एम्यू कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है में से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ओके तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट ओके क्वेश्चन नंबर वन जीरो थ्री इन हाई नंबर ऑफ प्रोटोन्स आर फाउंड इन किसके अंदर मिलेंगे सबसे ज्यादा प्रोटोन डायग्राम में भी शो किया हुआ एनसीआरटी के में तो इसका आंसर होगा हमारा ल्यूमेन ऑफ थैलाइड ल्यूमेन ऑफ थेड ओके क्वेश्चन नंबर वन जीरो फोर सेंसेटिव कंपाउंड ह्यूमन आई में वो किस चीज का बना हुआ है वो बना हुआ है ऑप्सिन एंड रेटिनल आंसर होगा इसका सेकंड, ओके क्वेश्चन नंबर वन जीरो फाइव स्पिंडल फाइबर्स अटैच ऑन टू स्पिंडल फाइबर किसके साथ जुड़ी रहती हैं? काफी इजी सा क्वेश्चन है कैनेटोकॉर ऑफ द क्रोमोसोम बी ओके क्वेश्चन नंबर वन जीरो सिक्स कौन सा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है इंडिया का तो कौन सा है इनमें नेशनल एक्वेटिक एनिमल इंडिया का दैट इज रिवर डॉल्फिन ओके क्वेश्चन नंबर वन जीरो सेवन इनमें से कौन सा रिक्वायर्ड होता है इंड्यूजर के तरीके से फॉर एक्सप्रेशन ऑफ लैक ओपेरॉन लैक ओपेरॉन के एक्सप्रेशन के लिए तो क्या होगा पढ़ा है हमने लैक्टोज क्या होगा लैक्टोज नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हॉर्मोन आर नॉट एंटागोनिस्ट इनमें से किन के अपोजिट इफेक्ट नहीं होते एक दूसरे के प्रति ओके okay? तो क्या होगा इसका देखें रीड आउट करें इसे एक बार तो आंसर होगा इसका फोर्थ रिलैक्सिन एंड इनहिबिन ओके नेक्स्ट वन जीरो नाइन माइक्रोटिब्यूल्स आर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ किसके मेन पार्ट है माइक्रोटिब्यूल्स तो इसका आंसर होगा हमारा स्पिंडल फाइबर सेंट्रियल एंड सीलिया के एक कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम जो जुड़ा हुआ है सिंगल स्टैंड ऑफ आरएनए के साथ 2018 के नीट वाले में भी ये आपको बताया था यहाँ पे भी यह रिवाइज अप हो रहा है क्वेश्चन तो आंसर क्या होगा इसका पोलिसोम या इसे हम क्या कह देते हैं पोली राइबोसोम भी कहते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज प्रैक्टिकली फिजिबल ओनली इफ फर्टिलाइजेशन फिजिबल है कब ऑप्शन दिए हुए हैं देखें एक बार तो इसका आंसर क्या होगा जब एग और ओवम एक साथ एम्फिलास्थम जंक्शन पर पहुंचेंगे फेलोपियन ट्यूब के तो इसका आंसर क्या होगा हमारा सेकंड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन वन टू जो अस्थमा है मे बी एट्रीब्यूटेड टू अस्थमा मे बी एट्रीब्यूटेड टू तो क्या होगा इसका हमारा एलर्जिक रिएक्शन टू द मास्ट सेल इन द लंग्स नेक्स्ट वन वन थ्री दर्वेचर इज यूज फॉर बायोएसे ऑफ किसके बायोसे के लिए मैंशन किया हुआ है क्लियरली एनसीआरटी में आई ए ए इंडोल एसिटिक एसिड ओके वन वन फोर जो स्टैंडर्ड पैटल है किसी पेपलोनसियस कोरोला का उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं वैक्सीलम क्या कहेंगे उसे हम वैक्सीलम ओके क्वेश्चन नंबर वन वन फाइव ट्राइक ट्राइ कार्पेलरी सिंकार्पस गैनेशियम फाउंड इन फ्लावर ऑफ किसके फ्लावर में मिलता है ये ओके okay. किस में मिलेगा हमें ये लिलैसी कौन सी फैमिली में मिलेगा ये लिलेसी फैमिली में मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन वन वन सिक्स कौन सा मेजर कंपोनेंट है सेल वॉल का किसकी सेल वॉल का फंगस की सेल वॉल का काफी इजी क्वेश्चन है क्या होगा इसमें काइटिन नेक्स्ट कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो क्या होगा इसका आंसर हमारा थर्ड एल एच एंड एफ एस एच डिग्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज ऐसा नहीं होता यह स्टेटमेंट गलत है ओके वन वन एट इन म्योसिस क्रॉसिंग ओवर इनिशिएटेड एट कब इनिशिएट होता है क्रॉसिंग ओवर पैचटिन स्टेज में किसमें होगा पैचटिन स्टेज में वन वन नाइन एक टॉल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट है उसको क्रॉस कराएगा एक ड्राफ्ट ब्रीडिंग प्लांट के साथ फिर जो एफ वन प्लांट को सेल्फ क्रॉस कराया गया तो जीनोटाइप क्या आएगा बहुत ईजी क्वेश्चन है हमारा क्या आएगा जीनो टाइप वन इज टू इज टू वन टोल होमोजाएगस टॉल हेट्रोजायस और डॉर्फ के बीच में जो रेशियो आएगा वन इज टू टू इज टू वन का आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इन में से कौन सा इंपॉर्टेंट कॉज है एनिमल और प्लांट के एक्सटिंक्शन का सबसे ज्यादा जो रोल है पढ़ा भी है हमने ये किसका हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन का हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 121 कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्रॉप लैंड इकोसिस्टम का तो कौन सा है इसमें हमारा लीस्ट जेनेटिक डायवर्सिटी जेनेटिक डाइवर्सिटी, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज इन जी एन आर एच गोनेडोट्रॉपिक रिलीजिंग हॉर्मोन पल्स फ्रीक्वेंसी इन फीमेल इज कंट्रोल्ड बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कौन कंट्रोल करेगा इसे इट इज कंट्रोल्ड बाय एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन ओके इनमें से कौन सा एक फीचर नहीं है प्लाज्मिट्स का तो so, कौन सा फीचर नहीं है इसमें प्लाजमिट का सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए फीचर नहीं है क्योंकि प्लाज्मिट कैसा होता है डबल स्टैंडर्ड होता है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन पैरी प्लैनेटा अमेरिकाना कौन सा करेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है पैरी प्लैनेटा अमेरिकाना का कौन सा इंटरमीडिएट एंड रेडियल क्लीवेज ड्यूरिंग एमरोनिक डेवलपमेंट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हायर वर्टिब्रेट्स में जो इम्यूनो सिस्टम है उसको वो डिस्टिंग्विश कर सकता है सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल को किसी तरीके से जो प्रॉपर्टी है अगर वो ख़त्म होती है और इम्यूनो सिस्टम अपने ही सेल्स को ख़त्म करने लगता है तो उसका आंसर हमारा क्या होगा बहुत ईजी क्वेश्चन है क्या होगा उसका आंसर हमारा ऑटो इम्यूने ओके मैच दी कॉलम कॉलम दिए हुए हैं दो डोमिनेंस इनका करेक्टर मेंशन किए हुए हैं देखें एक बार तो क्या होगा इसका आंसर इसका आंसर होगा हमारा सेकंड डोमिनेंस एक हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म ओनली वन एलील एक्सप्रेस इट्स ओके बी कोडोमिनेंस डोमिनंस मैनी इन ए हेट्रोजैगस ऑर्गेनिज्म बोथ एलील एक्सप्रेस दैम फुली दोनों जब एक्सप्रेस करेंगे ओके okay. क्लियर है ये चीज नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कंसेप्ट इंडिया में कब इंट्रोड्यूस कराया गया तो इंट्रोड्यूस कराया गया था नाइनटीन एटीज में ओके नेक्स्ट करेक्ट स्टेटमेंट बताना हिमोफीलिया के रिगार्डिंग अलग अलग पॉइंट्स जो किए हुए हैं यहाँ पे पॉइंट्स को रीड आउट करें एक बार देखें फिर तो क्या होगा इसका आंसर इसका आंसर होगा फोर्थ इसका आंसर होगा फोर्थ ए बी एंड सी आर करेक्ट ओके नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग कौन सी स्टेटमेंट इनमें से गलत है तो कौन सी स्टेटमेंट गलत है यू बैक्टीरिया और ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया ये स्टेटमेंट गलत है जो प्रॉक्सिमल एंड है फिलामेंट ऑफ स्टेमन का वो जुड़ा रहता है किसके साथ जुड़ा रहता है काफी इजी क्वेश्चन है थैलेमस के साथ ओके नेक्स्ट थर्टी फर्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच डज नॉट गिव डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डज नॉट गिव डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कौन सा क्या होगा इसका आंसर हमारा इसका आंसर होगा फोर्थ वेसेक्टोमी डज नॉट प्रिवेंट परमेटोजिनेसिस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जो टैक पॉलिमरेज है किससे मिलता है हमें थर्मोफिलस एक्वेटिकस किससे मिलता है थर्मोफिलस एक्वेटिकस से 132 का फर्स्ट 133 थर्टी थ्री आइडेंटिफाई दी करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनहिबिन इनहिबिन के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है तो क्या करेक्ट होगा सेकंड प्रोड्यूस्ड बाय सेल इन ओवरी एंड इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ एफ़एसएच, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पार्ट है टोबैको प्लांट का जो इंफेक्टेड होता है मिलोआइडी इनकोग्निशिया के द्वारा तो कौन सा पार्ट है दैट इज रूट ओके एंटीविनम इंजेक्शन जिनके अंदर प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज हैं जबकि पोलियोड्रॉप दैट आर एडमिनिस्ट्रेटेड टू द बॉडी तो जो पोलियोड्रॉप है उसके अंदर किस तरह की एंटीबॉडीज वगैरह रहती हैं क्या उनके अंदर रहता है तो क्या है उनके अंदर एटीन्यूएटेड पैथोजेंस, ओके क्वेश्चन नंबर वन थर्टी सिक्स कौन सी सेल ऑर्गनली है विच इज एनक्लोज बाय सिंगल मेम्ब्रेन सीधा सा आंसर है इसका लाइसोसोम्स ओके okay? बिटवीन सक्सेसिव स्टिम्युलाई इन सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रेक्शन तो उसे हम क्या कहेंगे दैट इज नॉन एज टेटनस वन थर्टी सेवन का थर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज स्टैम्प मॉडिफिकेशन इनमें से कौन सी एक स्टैम्प की मॉडिफिकेशन नहीं है तो कौन सी नहीं है इसमें पिक्चर ऑफ नेपैेंथिस क्योंकि किस तरह की मॉडिफिकेशन है लीफ मॉडिफिकेशन है ये वाटर सॉल्युबल पिगमेंट जो मिलते हैं प्लांट सेल वैक्यूल में कौन से हैं वो वो हैं फोर्थ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है 140 का देखें एक बार रीड आउट करें थर्ड hmm. सिकोया एक टॉलेस ट्री है मेंशन किया हुआ एनसीआरटी में इस चीज को विच ऑफ़ द फॉलो इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनी ऑफ द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग अवेलेबल एट दी प्रेजेंट तो क्या होगा इसका आंसर जिंक फिंगर एनालिस सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से टिश्यू करेक्टली मैच है लोकेशन के हिसाब से कौन से हैं इसमें हमारे फर्स्ट स्मूथ मसल्स प्रेजेंट रहती है कहाँ पर वॉल ऑफ इंटेंस्टाइन में ओके okay? क्वेश्चन नंबर थ्री ए प्लांट इन योर गार्डन अवॉइड फोटो रेस्पिरेशन लॉसेज हैज वाटर यूज शो हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट हाई टेम्परेचर एंड हैज इंप्रूव्ड एफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन तो किस तरह के प्लांट होंगे वो कैसे होंगे वो सी फोर प्लांट्स सेकेंड होगा इसका आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज होमोलोगस टू विंग ऑफ ए बर्ड कौन सी स्ट्रक्चर होगी फ्लिपर ऑफ वेल फ्लिपर ऑफ वेल क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी नाइन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑलवेज होल्ड ट्रू फॉर करस्पेंडिंग ग्रुप ऑफ एनिमल यानी कि कौन से कैरेक्टर है जो हमेशा सही होगा पर्टिकुलर ग्रुप ग्रुप के रिगार्डिंग ओके okay? तो क्या होगा इसमें फर्स्ट ही हो जाएगा हमारा काटेजिनस एंडोस्केलेटन किनके केस में होता है कौनड्रीसाइट्स के केस में ओके okay? नेक्स्ट है हमारा वन फोर्टी सिक्स कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है कैंसर सेल्स के रिगार्डिंग किसके रिलेशन में म्यूटेशन के रिलेशन में तो इसका होगा फोर्थ म्यूटेशन इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ टैलोमरेज ओके अमीनो एसिड ट्रिप्टोफेन एक प्रिकर्सर है किस चीज का प्रीकर्सर है ये स्प्रीकर ऑफ मिलेटोनिन एंड सिरोटोनिन ओके नेक्स्ट कौन सी स्टेटमेंट कौन सी दो स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ सही है ओके okay? ये दो स्टेटमेंट दी हुई है रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है तो दो स्टेटमेंट दी हुई हैं देखें एक बार रीड आउट करें फिर ऑप्शन देखें इनके तो इसका आंसर होगा हमारा थर्ड दोनों स्टेटमेंट ए और बी दोनों स्टेटमेंट ही सही है नेक्स्ट क्वेश्चन 149 फोर्टी नाइन रिडक्शन इन पी एच ऑफ ब्लड विल क्या इफेक्ट पड़ेगा जो हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की वो घट जाएगी एनालॉग स्ट्रक्चर रिजल्ट है किसका याद रखेंगे ए सी ए सी यानी कि एनालॉगस ऑर्गन किसकी वजह से होते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा इनमें से एक रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस का एग्जाम्पल है तो कौन सा है हमारा एच आई एन डी फर्स्ट ओके टर्म इकोसिस्टम वॉज गिवन बाय किसने दी थी बहुत ईजी क्वेश्चन है ए जी टें लेने ओके okay. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है वन फिफ्टी थ्री तो कौन सी स्टेटमेंट गलत है ग्लाइसिन इज ए सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड ये स्टेटमेंट क्या है गलत है ओके okay? ब्रायोफाइटा में ट्रांसपोर्ट होता है मेल गैमेट का और किस चीज़ की जरूरत होती है उन्हें ब्रायोफाइटा और ट्राइडोफाइटा को किसकी जरूरत होगी वाटर की ओके नेक्स्ट वेन डज द ग्रोथ रेट ऑफ ए पॉपुलेशन वो फॉलो करेगा लॉजिस्टिक मॉडल इक्वल जीरो तो यहाँ पे सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है एक बार रीड आउट करें इसे तो क्या होगा इसका आंसर वेन एन अपॉन के इज एग्जैक्टली वन ओके 156 कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है तो टिप्टम फर्स्ट इसकी स्टेटमेंट सही नहीं है टिप्टम हेल्प इन डिसेंस ऑफ एंथर नहीं टिप्ट तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है 156 कौन से ऑर्गेनिज्म पायोनियर कम्युनिटी का एग्जांपल है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है पढ़ा है हमने लाइकन्स ओके वन फिफ्टी एट कौन से स्टार्ट कोडोन के तरीके से काम करता है सिंपल है ए और ये कोड करता है किसके लिए भी मैथन इनके लिए भी विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर इज नॉट शेयर बाय बर्ड्स एंड मैमल बर्ड्स और मैमल के द्वारा कौन सा करेक्टर शेयर नहीं किया जाता तो कौन सा है वीवी पैरिटी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्सटी नोमन क्लेचर के कुछ रूल्स हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रेरी टू द रूल ऑफ नोम क्लेचर तो कौन सा होगा इसमें वन सिक्सटी का देखें एक बार फर्स्ट बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटर्न इन एनी लैंग्वेज नहीं ऐसा नहीं है दे आर रिटन इन लैटिन लैंग्वेज ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी इज ब्लड प्रेशर पल्मोनरी आर्टरी में कैसा रहता है ज्यादा रहेगा पल्मोनरी वेन के कंपैरिजन में 162 सिक्सटी कॉटिलीडन ऑफ मेज ग्रेन क्या कहते हैं उसे हम बड़ा इजी सा क्वेश्चन है स्क्यूटैलम डी ओके इन स्टमक गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय किसके द्वारा सिक्रेट होती है गैस्ट्रिक एसिड पैराइटल सेल्स के द्वारा डिप्लीशन ऑफ विच गैस इन एटमोसफेयर कैन लीड टू इंक्रीज इंसिडेंसेज ऑफ स्किन कैंसर किसकी वजह से बिकॉज ऑफ ओजोन ओजोन लेयर खत्म हो जाएगी तो उसकी वजह से स्किन कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे क्राइसोफाइड्स यूगलिनोइड डायनोफिलाजिलेट्स कौन से किंगडम में आते हैं इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता प्रोटिस्टा में बी वाटर वेपर कम आउट फ्रॉम द प्लांट लीव थ्रू द स्टोमेटल ओपनिंग थ्रू द सेम स्टोमेटल ओपनिंग कार्बन डिफ्यूज इन टू द प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस तो रीजन आउट द एबॉब स्टेटमेंट यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन तो क्या होगा इसका आंसर देखें सेकेंड बोथ प्रोसेस कैन हैपन टूगेदर बिकॉज जो डिफ्यूजन कोफिशियंट वॉटर और कार्बन डाइऑक्साइड का वो अलग अलग है ओके इन मैमल विच ब्लड वेसल वुड नॉर्मली कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया किसके अंदर लार्ज अमाउंट में यूरिया होगा 167 का देखें तो इसका होगा हिपैटिक वेन के अंदर ओके सीड फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के कौन सा प्रोसेस होता है ओके okay? कौन सी टेबल रॉन्गली मैच है विच टेबल इज रॉन्गली मैच तो कौन सा है इसमें रोंगली मैच फोर्थ क्योंकि जो क्लोस्टिडम ब्यूटी है वो क्या बनाती है ब्यूटैरिक एसिड ना कि लाइपेज तो लाइपेज नहीं बनाती ओके तो क्या इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा हमारा फोर्थ क्वेश्चन नंबर 170 एक टेस्ट क्रॉस है जिसमें एफन हाइब्रिड फ्लाइज मोर प्रिंटल टाइप ऑफ स्प्रिंग व प्रोड्यूस द रिकमंडेड टाइप ऑफ स्प्रिंग क्या शो करता है ये क्या शो करेगा ये? कि जो दोनों जीन्स हैं वो प्रेजेंट हैं सेम क्रोमोसोम के ऊपर ओके सेवेंटी वन इट इज मच इजियर फॉर ए स्मॉल एनिमल टू रन अप हिल देन फॉर लार्ज एनिमल किसकी वजह से बिकॉज जो स्मॉल एनिमल हैं, उनका मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होता है ओके okay? उ ऑफ इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग मैटोसिस इन सुमेटिक सेल कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है सैनेपिस ओके कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है देखें एक बार रीड आउट करें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है 173 में देखें एक बार रीड आउट करें तो इसका आंसर क्या होगा फर्स्ट पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज नहीं सेम स्पीसी की ही जो पोलन ग्रेन है वो आगे के पोलन ट्यूब बनाती हैं स्पेशल सेल जो गार्ड सेल को क्या करते हैं सराउंड करते हैं क्या कहते हैं उन्हें हम सब्सिडरी सेल्स ओके कौन से विच ऑफ द फॉलोइंग गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ हिपेटोपेन डक्ट डू ड्यूडिनम क्या होगा स्पिंचर ऑफ ओडाई स्टेम मोडिफाइड इंटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीफ क्या कहते है उसे हैं उसे हम फैलोक्लेट्स ओके क्वेश्चन नंबर वन सेवन सेवन जो प्रिमिटिव प्रोकैरोटिक जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ एनिमल इंक्लूड तो डंग आ गया सीधी सी बात हो जाएगी क्या होगा मिथेनोजन ओके okay? इसका आंसर होगा सी नेक्स्ट क्वेश्चन ए रिवर विच विद ए फ्लो ऑफ डोमेस्टिक सीवेज रिच इन ऑर्गेनिक वेस्ट में रिजल्ट इन क्या होगा उसकी वजह से डेथ ऑफ फिश ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो एक्टिक एनिमल हैं वो क्या हो जाएंगे मर जाएंगे इस सेल एट टेलोफेज स्टेज इज ऑब्जर्व बाय स्टूडेंट इन प्लांट ब्रॉड फ्रॉम द फील्ड उसने अपने टीचर को बताया कि जो सेल है वो और सेल्स की तरह नहीं है टेलोफेज स्टेज में वहां पे सेल प्लेट का फॉर्मेशन भी नहीं हो रहा ओके okay? तो जो मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं दूसरे सेल के कंपैरिजन में तो ये ऐसा किस वजह से है ऐसा किस वजह से इट इज बिकॉज ऑफ पॉलीप्लॉयडी ओके लास्ट क्वेश्चन ए टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ किस चीज़ का बना हुआ है एक फैट मॉलिक्यूल उसमें क्या होगा एक तो ग्लिसरॉल होगा और तीन फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल्स होंगे ओके okay? तो ये था हमारा किसके बारे में अबाउट नीट टू थाउजेंड सिक्सटीन के बारे में ओके okay? थैंक्स